खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। मासूम छात्राओं से स्कूल के वैन चालक की अश्लील हरकत मामले में जनपद में जांच करने पहुंची राज्यपाल संरक्षण आयोग की टीम। आपको बता दें कि दरअसल बाराबंकी जनपद के अलग अलग दो स्कूलों में स्कूल के वैन चालक द्वारा मासूम छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम बाराबंकी जनपद पहुंची। रामनगर और जैतपुर में स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की और जानकारी ली। बीते शुक्रवार जैतपुर स्थित बाबा जगजीवन दास स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 3 की 11 वर्षीय छात्रा से वहीं के वैन चालक ने छेड़छाड़ को लेकर परिजनों की शिकायत पर ड्राइवर के खिलाफ जैतपुर पुलिस ने विधिक कार्रवाई की है। वहीं शनिवार को करीब 3 बजे बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिवेदी पूरी टीम के साथ स्कूल पहुंचकर मामले पर एक के बाद एक सवाल जवाब किए तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से स्कूल में बच्चों के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को ही नकार दिया, जबकि मेन्यू लिस्ट में ड्राइवरों के नाम अंकित मिले। इसके बाद जब संचालित विद्यालय से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई तो ड्राइवरों का हिसाब का पूरा चिट्ठा सामने आ गया, जिससे बाल आयोग ने कड़ी फटकार लगाई। वहीं स्कूल में कोई भी मानक सही नहीं पाया गया। शिकायत पेटिका में कपड़े और गंदी बोतल मिली। इंटर तक स्कूल संचालित होने के बावजूद ना तो लाइब्रेरी है और ना ही अन्य जरूरी कागजात मिले। फिलहाल आयोग ने अग्रिम आदेश तक स्कूल को ना संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर BSA, ABSA, BDO, ADO, पंचायत CO, थाना प्रभारी, कस्बा इंचार्ज सहित अन्य अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम रामनगर स्थित BPN इंटरनेशनल स्कूल पहुंची और विद्यालय का अचूक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के कागजात को चेक किया और अन्य जानकारियां हासिल कर टीम वापस चली गई। आपको बता दें कि रामनगर और जैतपुर स्थित इन दोनों विद्यालयों में मासूम नाबालिग छात्राओं के साथ स्कूल के वैन चालक द्वारा गलत हरकतें की जा चुकी हैं। दोनों मामलों में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज जो विद्यालय में घटना घटी, कल घटना घटी थी जी, कल एक बच्ची के साथ ड्राइवर ने छेड़छाड़ की इसी स्कूल से, तो बहुत ही निंदनीय घटना है, क्या कहना चाहेंगे? ये घटना जो है सुनने के बाद हमारा भी मन जो है बहुत विचलित हुआ और तुरंत तो जो है मैं यहाँ एक रामनगर में घटना घटी थी उसको भी देखा है और इसको यहाँ है। मेरा भी मन बहुत विचलित है और बहुत शर्मनाक घटना है और सरकार के लिए बहुत घटना है और यहाँ सारे अधिकारी हैं जितने सब परेशान हैं। और ये जो है आज इस विद्यालय का जो निरीक्षण किया है, एक निरीक्षण के समय इन्होंने कोई एक पेपर उपलब्ध नहीं करा पाए। विद्यालय जैसे लगता है कि ये जो है किसी बूचड़खाने जैसा है, कोई व्यवस्था नहीं, न आप लोगों ने देखा बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बाउंड्री छोटी है, बाउंड्री से कोई झांके तो भी जो है इसकी व्यवस्था नहीं। सर, कहते हैं 700 स्कूल में 700 बच्चे हैं, 700 बच्चों के जो आगे भविष्य से स्कूल सीज बंद होगा तो इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमने सारे अधिकारियों से इसकी स्कूल की जाँच कराने के लिए कहा है, इसकी जो है ज़मीन की भी जाँच कराने के लिए कहा है और इस स्कूल को जो है बंद कराने के लिए भी कहेंगे और इस स्कूल के सारे बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, विद्यालय अगर इस स्थिति में रहेगा तो कदाई विद्यालय नहीं चलेगा और इनको दंड मिलेगा और इनकी पुस्तें याद करेंगे विद्यालय जो सिखो का। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है आपसे कि यहाँ पर जो आपने अभिलेख देखा, लाइब्रेरी देखी, क्या कुछ इसमें गुणवत्ता है, क्या मान? कुछ नहीं, कोई गुणवत्ता। लाइब्रेरी के नाम पर एक कूड़ा रखा है, एक मेज पर कूड़ा रखा, कूड़े का सामान है। और हमने जो इनका फास्ट बाग देखा उसमें कुछ नहीं था, सारे जो है जो एक दो चीज़ें इसमें थी जो है उस यहाँ तक कि जो है जो डिटॉल रखा है वो भी जो है पुराना रखा हुआ है, कोई सामान नहीं फास्टेस्ट बाग्स के नाम पर कुछ नहीं, जबकि फास्टेस्ट बाग हर क्लास में होना चाहिए, एक जो है बाहर उसका बाग्स भी लगाना चाहिए, कुछ नहीं है। इनके व्यवस्था के नाम पर इनके पास कुछ नहीं, जीरो बटे सन्नाटा। हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज इस विद्यालय में आप जांच करने आए हैं तो क्या यहाँ बाराबंकी जनपद का प्रशासन सोता था, जो आज तक जो है पता नहीं कितने स्कूल में ऐसी सब व्यवस्था है तो कभी जांच किया कि नहीं किया, क्या सोता था प्रशासन? देखो, प्रशासन सोता नहीं है, प्रशासन जाग रहा है। प्रशासन अगर जगा ना होता तो कल की घटना में आज हम यहाँ ना आ जाते। प्रशासन जागरूक है और प्रशासन आप सारा देख रहे हैं, सारी प्रशासन की व्यवस्था है और इन्होंने जो गड़बड़ी की है उस हम बच्चों के हित के लिए यहाँ आए हैं। हमारा पहला जो है प्रायोरिटी है महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए है, उसके लिए जो हमको जो करना पड़ेगा वो सारा करेंगे। सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, कोई ऐसा अधिकारी ना जिले का यहाँ ना हो, सारे अधिकारी उपस्थित हैं और इसकी सारी व्यवस्था की इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं और इसको विद्यालय को हम देखेंगे, कहीं भी गड़बड़ी हो तो इनको मिलेगी, सजा मिलेगी और इनकी पुस्तें याद रखेंगे आगे और विद्यालय बाराबंकी में जो अन्य विद्यालय की जांच होगी इतनी सजा इनको मिलेगी कि अन्य विद्यालय इसके लिए जो है वो एक नजीर हो जाएगी कि जन विद्यालय इसे करने के लिए 100 बार सोचेंगे कि हम गड़बड़ी नहीं कर पाए। सर, ये दोषी ड्राइवर है, इसके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो ड्राइवर है वो तो अंदर हो गया है, उसको जो है अभी हमने जो है यहाँ क्योंकि विद्यालय बंद हो गया था इसलिए अभी पीड़िता से नहीं मिले, बिल्कुल की जाएगी।
अगर जो है तरफ से ये निर्देश दिया जाए कि सभी प्राइवेट वाहनों में जो स्कूलों में लगी उनमें कैमरा लगवाया जाए, लेकिन तमाम इन्होंने पहले नकारा कि हमारे पास कोई वाहन नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। बाद में हमने हमको पेपर कुछ मिले जिसमें इन्होंने ड्राइवर का नाम लिखा है और साथ में कुछ हमने जो है फीस की रसीदें देखी, उस फीस की रसीदों में टैक्सी का भाड़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब इनके पास ड्राइवर की व्यवस्था है और इन्होंने जो है जानबूझ करके ये हमको बता रहे हैं कि जो है हमने पास ड्राइवर की व्यवस्था नहीं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? पूरा स्कूल प्रशासन जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मगर न हमारा कोई शासन, न हमारी कोई सरकार, न हमारा आयोग इस झांसे में नहीं आएगा। मैं उसका उचित जो है कार्रवाई करें। शिक्षा क्षेत्र को क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे, जैसे कि तमाम ऐसे यहाँ पे वाहन देखे जाते हैं, ई रिक्शा पर बच्चों को लाया ले जाता है, जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे ले जाया जाओ, पूरा ठूस ठूस के ले जाते हैं, कई इन सभी चीजों की खबरें जो है चलाई गई समाज में। जी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अभी हमने किसी पैरेंट से बात की है कि आपने जो है देखा है पुलिस का वेरिफिकेशन, आप ड्राइवर आपके यहाँ आता है बच्ची को ले जाता है, आपने उसको देखा है ड्राइवर का जो है लाइसेंस देखा है, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, बिना लाइसेंस के चला रहा है, या उसका उसने पुलिस स्कूल से पूछा है अपने ड्राइवर को जो भेज रहे हैं इसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने हमारी जान, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बच्ची को भेज रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी उस ड्राइवर से उस स्कूल से पूछें। हम फीस देते हैं, तगड़ी फीस देते हैं, जिनकी वजह से ये लोग जो है मौज कर रहे हैं, और फीस देने के बाद भी हम हमारा दायित्व तो है हम स्कूल प्रशासन से पूछें कि हमारे पास जो है स्कूल जो जरूरत की सामान है फर्स्ट एड बॉक्स तो रहना ही चाहिए। हमको लगता है कि हर जो है जो वैन होती है उसमें रहना चाहिए, उसके बाद भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये इनकी जो है पूरी लापरवाही है। इस लापरवाही का एक खामियाजा भी सर, जो चालक था ये 40% बताया जा रहा विकलांग भी था और इसका भी लर्निंग का लाइसेंस था, इसमें क्या कुछ रहा जानकारी? अब इसको जो है जब अभी हमने देखा नहीं, अभी हम पेरेंट्स से मिलेंगे, बच्ची से मिलेंगे, हमारी पूरी टीम आई हुई है, उसको मिलने के बाद जो चालक के साथ भी जो है कार्रवाई होगी और इनके साथ भी स्कूल प्रबंधक की जो है कार्रवाई होगी। हमको कुछ पेपर नहीं, आज की डेट में उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया, कोई पेपर आप नहीं दिखा कोई पेपर दिखाए इनके पास है नहीं, कोई बता रहे घर पर रखे हैं, कोई कहता है बाबा पिताजी हमारे बाहर गए हैं छतरपुर गए हुए हैं, पेपर इनके पास कुछ नहीं है। और जो भी हमने देखा है हमारे अधिकारियों ने देखा है वो पूरी बोगस व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल के नाम पर जीरो। अग्रिम कार्रवाई क्या की जा रही है? अगली कार्रवाई के लिए हमने जो है शासन से बात करके, क्योंकि एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, अब हम कोई चीज़ ऐसे करें जो पहले जाँच पत्र लें, इनके पेपर देख लेते हैं। हमने BSA से कहा है कि उसकी इनके पूरी फाइल निकालिए जो इन्होंने मान्यता के लिए, मान्यता इनकी जो है अगर रिन्यूअल हुई नहीं हुई है, या जो है किस मानक के हिसाब से जो है इन्होंने जो है मान्यता ली है, मानक जब मान्यता होती है शौचालय की व्यवस्था होती है, पार्टी वास होती है, लैब की होता है, यहाँ लैब के नाम पर जीरो है और बायो पढ़ा रहे हैं, साइंस साइड का विद्यालय है, उसके बाद भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, नगरने व्यवस्था है और एक तरह से देखा व्यवस्था के नाम विद्यालय जो है मानक नीति मानक के तहत, अगर ऐसे बहुत सारे विद्यालय बाराबंकी में हैं जो बिना मानक कैसे ही चल रहे हैं और जिनके अंदर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, नहीं और फीस जो है बिल्कुल बेदखल देखने के बाद मैंने बाबाओं से ली जा रही है, फीस का भी पूरा विवरण देखा, इनको रसीद बुक भी देखे हैं किसके किससे कितनी फीस लिए हैं, फीस का भी इन्होंने जो है केवल एक फीस का जो है वो पैसा लिखा है, उसके बाद नीचे लाइन खींच करके टोटल लिख दिया, कहीं उसको वेरी वो नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है कि जो है किस फीस में कंप्यूटर फीस कितनी ले रहे हैं, ट्यूशन फीस कितनी, कैसा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है, फिर भी मनमानी तरीके से जो मान्यता दी जाती है उसमें विचार नहीं है, मान्यता वाले भी जो मान्यता देते वो भी कहीं ना कहीं दोषी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जब तक हम पूरा पेपर नहीं दे सकते हैं तब तक हम अभी कुछ नहीं कर सकते सर। विद्यालय संचालन हमारे पास आ जाएगा, हम BSA से हमने कहा है, यहाँ हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम जो है पेपर देखने के बाद जो है जो उचित कार्रवाई होगी और विद्यालय अच्छी कार्रवाई विद्यालय संचालन को लेकर के क्या निर्देश अभी दिया गया है? अभी के लिए अभी संचालन का नहीं होगा, हमने जो BSA से कहा, BSA आज हमारे साथ रामनगर में थे, यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा है, तो हम जो है देखेंगे, नहीं तो उनको स्कूल बंद कराएंगे, यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे। विद्यालयों में जिस तरीके से अनफिट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं क्या कहना चाहेंगे इसकी? जो है RTO से बात करके